सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पोको के M2 प्रो के बारे में। दोस्तों, काफ़ी लोग हैं जिन्हें सिर्फ पोको का ही फ़ोन चाहिए होता है, उन्हें किसी और ब्रांड में बिल्कुल भरोसा नहीं होता, उन्हें सिर्फ पोको का ही फ़ोन चाहिए होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पोको M2 प्रो के बारे में बताऊँगा कि ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट सेल में कितने का पड़ेगा और दोस्तों ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी फ़ोन हैं जो आपको 12 से 15 रुपये के रेंज में देखने मिल जाते हैं, बट दोस्तों बहुत लोग हैं जिन्हें सिर्फ पोको का ही फ़ोन चाहिए होता है। दोस्तों, पोको M2 प्रो फ्लिपकार्ट सेल में आपको सिर्फ 13,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास कोटक बैंक या फिर ICICI बैंक का कार्ड है तो अगेन दोस्तों आपको इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देखने को अलग से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये फ़ोन आपको 12,000 रुपये से भी कम कीमत देखने को पड़ सकता है अगर आप इसे फ्लिपकार्ट सेल से खरीदते हो तो। और दोस्तों, फ्लिपकार्ट सेल आज से स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको पोको M2 प्रो चाहिए तो आप इस फ़ोन को 12,000 रुपये की कम कीमत ले सकते हो अगर आपके पास ICICI बैंक या फिर कोटक बैंक का कार्ड है, चाहे दोस्तों क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो, आपको दोनों ही कार्ड पर अच्छा ऑफर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस फ़ोन की फीचर की बात की जाए तो दोस्तों ये फ़ोन सेम आपको रेडमी के नोट 9 प्रो जैसा लगता है, जिसकी दोस्तों जो डिज़ाइन है, जो कैमरा है दोस्तों, और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी है, सेम आपको रेडमी के नोट 9 प्रो जैसी मिलेगी। बट दोस्तों, काफ़ी लोग हैं जिन्हें सिर्फ पोको ही फ़ोन चाहिए होता है, उन्हें रेडमी सीरीज में बिल्कुल भरोसा नहीं है, उन्हें पोको के डिवाइस अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों वो इस फ़ोन को बिना टेंशन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसकी जो प्राइस है 13,000 रुपये बिना कार्ड के डिस्काउंट के, दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी है। इसका 6GB 64GB वाला वेरियंट आपको सिर्फ 13,000 रुपये देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर। और अगर आप इस कार्ड से खरीदते हो तो अगेन आपको 10% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी डील है, आप इस फ़ोन को बिना टेंशन के खरीद सकते हो। दोस्तों, इस फ़ोन की फीचर की बात की जाए तो इसके रियर में हमें 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों, इसके फ्रंट में हमें 16 MP कैमरा मिलता है, जो दोस्तों हमें रेडमी नोट 9 प्रो में मिलता है। और दोस्तों, इसकी जो बॉडी है दोस्तों ग्लास की दी गई है, और इसके फ्रंट और बैक में हमें कोरियन गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो दोस्तों, इसमें हमें काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं। और इसकी दोस्तों जो बैटरी है वो भी आपको काफ़ी बड़ी मिलती है, 5000 mAh की बैटरी। और बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, जिससे आप अपने फ़ोन को फटाफट चार्ज कर लोगे। और दोस्तों, बैटरी काफ़ी बड़ी है तो आपका 2 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों को एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो दोस्तों काफ़ी बड़ा हो देखने में, इसकी बैटरी बड़ी हो, डिस्प्ले बड़ी हो, कैमरा अच्छा हो, और दोस्तों प्रोसेसर भी बढ़िया हो, स्नैपड्रैगन 720G, तो दोस्तों 13,000 रुपये में काफ़ी अच्छी डील है, आप इस फ़ोन को बिना टेंशन खरीद सकते हो, जो कि दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट सेल में देखने को मिल जाएगा। और जो दोस्तों कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो आपको ये 12,000 रुपये के आसपास पड़ सकता है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा फ़ोन है अगर आपको पोको का फ़ोन चाहिए। अगर आपको पोको कंपनी का फ़ोन चाहिए तो आप इसे बिना टेंशन ले सकते हो, जो कि दोस्तों है पोको का M2 प्रो 6GB 64GB वेरिएंट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।